तो जैसा प्लान हुआ था कि हम लोग कापू बीच जाएंगे, तो अभी हम लोग कापू बीच ही जा रहे हैं, मैं, आकांक्षा और मम्मी और इवान, क्योंकि आकांक्षा को बहुत ज़्यादा मन था। तो चलो आज चलते हैं कापू बीच। व्लॉग वहीं से स्टार्ट करता हूँ फिर। तो वही वेट कर रहा हूँ मैं 5 मिनट पहले आके बैठा हुआ हूँ। बोली कि चलो नीचे आते हैं जल्दी से, अभी जल्दी हुआ ही नहीं, अभी भी वेट ही कर रहे हैं। ऐसा ही वेट करना पड़ता है बच्चा, वेट करते रहो। हम लोग आ गए कापू बीच, और यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो संभल के चलना पड़ेगा वरना गिरेंगे दबाक से। 20 रुपये लगा यहाँ पे पार्किंग में। इट इज़ डायरेक्टली ऑन द रूट ऑफ दिस मैंगलोर। वेन यू आर गोइंग फ्रॉम उडुपी टू मैंगलोर ना, इट इज़ देयर ऑन द रूट, 1 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम द हाईवे। मैं लास्ट टाइम अगस्त में आया था, उस टाइम भीड़ नहीं था यहाँ पर, लेकिन आज भीड़ ज़्यादा दिख रहा। सो दिस इज़ द भीड़, आज भीड़ है भाई। शाम को दुकान भी खुला है, उस दिन हम लोग आए थे सुबह के टाइम तो दुकान वकान ज़्यादा खुला नहीं था, बंद ही था। आकांक्षा मम्मी कहाँ गई? मूँगफली बेच रही हैं ये आंटी। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो इतना भीड़ नहीं था ना, है ना? ये थोड़ा साफ सुथरा है, मेंटेन्ड है। मालपे वाला थोड़ा ज़्यादा भीड़ की वजह से गंदा हो रखा है, पर बीचेस साफ है, बीच साफ है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे भीड़ कम थी, लेकिन इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि लोग खड़े नहीं रह पाते। इट इज़ गुड, मौसम इज़ ऑल्सो गुड। सो होपफुली आज टावर पे चढ़ने देंगे, लाइट हाउस पे। लास्ट टाइम चढ़ नहीं पाया था, लाइट हाउस से भी देखेंगे कैसा होता है व्यू। चलो, ये बीच एक्चुअली ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसी बीच पे थोड़ा रॉक्स वॉक्स है साइड पे, और उसी एक बड़े से रॉक के ऊपर वो लाइट हाउस बना हुआ है। आई विल शो इट टू यू, वेट। ये देखो, दिस इज़ द लाइट हाउस, ये एक रॉक के ऊपर ही है, इसी के ऊपर चढ़ते हैं। अभी चढ़ने दे रहे हैं, लोग भी चढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। चलो ऊपर चलते हैं। 1, 2, 3, 4 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर पैदल चलना होगा। ये देखो बीच का नज़ारा, यहाँ पे भी वो सब हो गया है, थोड़ा कमर्शलाइज तो हो रहा है। हाँ, पहले ही ये सब नहीं था ना, अभी हुआ है। घोड़ा भी आ रहा है ये कापू बीच कैफ़े। चलो आज तो यहाँ पे खाएंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाएंगे कुछ। देखो लाइट हाउस और ये मौसम मस्त। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये छोटे सरकार पेट में थे आकांक्षा के, इस टाइम बाहर है। चढ़ पाओगी ना? लास्ट टाइम पेट में लेके तो चढ़ गई थी, लेकिन इस बार पता नहीं। लेकिन इस बार देखो वो भी खुला हुआ है टावर, तो चलोगे टावर पे? लाइट हाउस पे जाने के लिए भीड़ है। देखो 1, 2, 3, 4 5 फ्लोर चढ़ना होगा, तब जाके तुम ऊपर पहुंच पाओगी, सोच ले आकांक्षा। पर ऊपर से बारिश होने लगी ना, यहाँ पे बारिश अभी ठीक नहीं है भाई, कब स्टार्ट हो जाए कब। ये आकांक्षा फोटो के चक्कर में भिगाएगी, देखो बारिश स्टार्ट हो गया, चलो जल्दी भागो। हम लोग यहाँ पे आए और आते ही बारिश स्टार्ट हो गई। इतने देर से बारिश नहीं हो रही थी, सुबह धूप भी हुआ, मौसम भी अच्छा था, पर अभी स्टार्ट हो गई एकदम बारिश, तेज़ नहीं पर इतना बारिश है कि हम लोग को भिगा दें। तो इवान के साथ है तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं तो मैं अकेले होता तो भीग भी जाता अगर हम लोग आकांक्षा के साथ होते तो। बट वी वोंट टेक रिस्क विद इवान, ही माइट फॉल सिक, सो वी आर स्टेइंग हियर। शेड है, बगल में एक कैफ़े है, उस जो कैफ़े दिखा रहा था उसी कैफ़े का ये शेड है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वेट करते हैं थोड़ी देर तक, उसके बाद आएंगे फिर से कुछ खाने के लिए। थैंक गॉड बारिश रुक गई और हम लोग जा रहे हैं अभी वो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ेंगे। तो रॉक पे चढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइट हाउस के ऊपर चढ़ेंगे, तो कैलोरीज बहुत बर्न होने वाला है। ओ, चढ़ पाओगे ना? 1, 2 सपोज़ ये 3 फ्लोर है, 5 फ्लोर वो है।
सबसे पहले तो इसके ऊपर चढ़ना है। ये वीडियो में ज़्यादा वैसा दिखता नहीं होगा, स्टीप है पर आराम से चढ़ना। पता नहीं गिनना पड़ेगा कितना सीढ़ी है, घर जाके गिनूंगा। पहुंच तो गए फाइनली। फाइनली पहुंच गया, चढ़ गया यहाँ पे। हम लोग कोने में चल के व्यू लेते हैं यहाँ पे पहले। यहाँ पे लौंडे लपाटों का गैंग है, मस्ती करते हुए लौंडे लपाटे। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द रॉक, सो लुक एट दिस व्यू, मेस्मराइजिंग इजंट इट। थक गई, क्या व्यू है आपको, इनक्रेडिबल इंडिया दोस्तों। इंडिया में एक कंट्री में इतने सारे वेरिएशंस हैं, और बाकी मेरे हिसाब से शायद ही किसी कंट्रीज में हो। ओ यू इवान, आकांक्षा मेरे से पूछ रही थी कि लाइट हाउस पर चढ़ने के लिए लिफ्ट है या नहीं, बट नोवाइस है क्या करेगी। 10 तो देख लो भाई, यहाँ पे कितना ऊपर चढ़ना होता है, ये इतना चढ़ना होता है। अब भाई पूछ रहा हूँ मम्मी चढ़ पाएंगी या नहीं, आकांक्षा तो ईवान को दे दी। रुक जाओ, छोटी सीढ़ी है। हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, ये छोटे छोटे सब दिख रहे हैं, नीचे बहुत छोटी सीढ़ी दिख रही है, और ये आए नहीं डर की वजह से। अच्छा कि वैसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेकार सी सीढ़ी है, लास्ट का तो एकदम खड़ी खड़ी सीढ़ी है कि मतलब चढ़ा नहीं जा सकता किसी बच्चे को लेके। हाँ
मैं तो ऊपर नहीं गया, पर आकांक्षा और मम्मी गई थी। मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि यार देखो, मैंने बताया कि मुझे हाइट से डर लगता और सीढ़ी बहुत ज़्यादा नैरो था, जो सीढ़ी जो गोल गोल चढ़े रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो था, तो बच्चे को एक हाथ से पकड़ो एक हाथ से, तो मैं मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए मैंने बोला कि दो बच्चे को मैं नीचे ही रुकता हूँ, तुम लोग जाओ। तो ये लोग गई, ऊपर से वीडियो बनाई, जो भी बनाई। मैं तो नहीं गया, फिर कभी मैं जाऊँगा। जस्ट लुक एट द वेव्स। नहीं, अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों, तुम क्यों गिर रहे हो? कैमरा नहीं मिला, बदमाशी करते। क्या, अरे देखो पानी, देखो पानी, पानी 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 आ गया। गुस्सा आ गया। देखो मम्मी छह छप्पा छह कर रही है पानी में। चलो चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं। इनको तो फोटो ही चाहिए। दो सब कुछ पकड़ाओ मुझे। अभी मम्मी का चप्पल बह के चला गया था, फिर समुद्र कितना अच्छा है, बोला कि नहीं यार मेरे को चप्पल तो नहीं चाहिए, तुम रख लो, तो वापस भेज दिया, चप्पल वापस आ गया। आकांक्षा का एक चप्पल और मम्मी का भी एक, मम्मी का तो दोनों ही चला गया था, बट थैंकफुली वी गॉट इट बैक। थैंक यू समंदर बाबा, थैंक यू। तो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि यार भूख लगता है ना यार, अगर खाना देखते हैं तो भूख लग जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे कितना ही क्यों ना कुछ खा गया हो, भूख लग जाता है। तो अभी चलते हैं हम लोग खाने के लिए, वहीं से खाऊंगा जिसने मुझे पना दिया था जब बारिश हो रही थी तब। अब आकांक्षा को फिर से मन हो रहा है फ़ोटो खिंचवाने का, ही यहाँ पे ये सूखे हुए पेड़ के सामने। अब मैं समझ नहीं पाता फ़ोटो खिंचा के क्या मिलता है, वैसे अच्छा ही लगता होगा इन लोग को, है ना? फ़ोटो खिंचाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? और मैं कितना भी अच्छा फ़ोटो क्यों ना खींच लूँ, फोटोग्राफी कोर्स करके फ़ोटो क्यों ना खींच लूँ, इनको पसंद नहीं आएगा। वो छोड़ो यार, वो रात को लाइट जलेगा। जैसा कि डिसाइड हुआ था कि हम लोग यहीं पे आएंगे खाने के लिए, कापू बीच कैफे, क्योंकि भैया ने मेरे को सीट दिया था बैठने के लिए अंदर, सो लेट्स ईट सम फूड। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है मम्मी के लिए और आकांक्षा के लिए पनीर बर्गर, क्योंकि इन लोगों का खाना था पनीर बर्गर। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया मैगी, क्योंकि मुझे मैगी पसंद है, बहुत दिन हो गया था भाई मैगी खाए, आकांक्षा बना के खिलाती नहीं है। मम्मी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो, आकांक्षा कभी मेरे को मैगी बना के नहीं खिलाती, खुद खा लेगी, मैगी का मसाला सारा यूज़ कर लेगी लेकिन मैगी नहीं बनाएगी, ठीक है? अगर आप इससे बात करना तो बोलना। जो मैं टाइम लैप शूट कर रहा था उसका बज गया 12, क्योंकि अचानक से बारिश होने लगी। तो अभी इन द मीन टाइम आवर फूड हैज़ अराइव्ड, आई विल शो यू व्हाट आई हैड ऑर्डर्ड। मैंने बताया था, अब दिखाता हूँ। दिस इज़ माय मैगी दैट आई ऑर्डर्ड, ये मम्मी का बर्गर, आकांक्षा का बर्गर। हाउएवर आई डोंट लाइक मैगी दैट मच, बट सिंस आज मौसम ऐसा है तो सोचा कि यार खा ही लेते हैं, और क्या, मैगी खा ही लेते हैं, खाते हैं मैगी। इसको यहाँ रखो, सो लेट्स डिग इन, स्टार्ट डिग इन इट टू। भाई इन सब मौसम है ना, मैगी खाने का बात ही अलग है, सीरियसली यूड लव इट। पहाड़ों पे, यहाँ पे यूड लव मैगी। ज़बरदस्ती जिद कर रही है उसकी, बर्गर का बर्गर का। तो मैं उसका बर्गर ट्राई करता हूँ। ये भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, है ना? आकांक्षा को मैगी खाने का मन नहीं, मैंने उसको बोला कि मैगी खाओ, पहले ही बोला था वीडियो के पहले, नहीं कहीं, मैंने बोला ठीक है मैं खा लेता हूँ। Another bite.
ये आए हुए हैं हम लोग को विजिट करने के लिए आए थे। पूछ रहे थे कैसा लगा कापू बीच का सफाई है, मैं पूरा साफ कर देता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अभी भी साफ़ करने के लिए कुछ खोज रहा है, कहीं मिले वहीं पे साफ़ कर देगा। और वेव्स आज बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, इसीलिए वेव्स बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। और जब देन व्हेन द वेव्स आर हिटिंग अगेंस्ट द रॉक ना, मज़े का सीनरी है, मज़े का आवाज़ है, मज़े का सीनरी है, गज़ब भौकाल। इलाहाबादी भाषा में भौकाल बोलते हैं, भौकाल यानी कि सुपरलेटिव एकदम, मतलब बहुत अच्छा का सुपरलेटिव होता है भौकाल। तो ये भौकाल वेव्स उठ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बैठे हुए हैं आराम से एंजॉयिंग द नेचर। मम्मी तो एकदम आगे चली गई हैं, ये दिख रही हैं मम्मी। अभी शुक्ला जी का नया हॉबी आ गया है, नया हॉबी ये है कि जो मिलेगा उसका बाल नोचना है, उसको बाल नोचना है, उसका बाल पकड़ना है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा इनका बात कर रहा था, तुम्हारा बात नहीं कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा था बाबू, मैं तुम्हारी मम्मी का बात कर रहा था। ओके लेट्स टेक अ सेल्फी, आ जा मेरे पास आ जा। देखो ये मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका नया जो मिलेगा वो नोचेगा। हाँ हाँ खा लो पापा को खा लो यार, पापा को खा लो ना अपने, खा लो पापा का माइक खा लो, पापा को खा लो, पापा का नाक खा लो, सब कुछ खा लो तुम। ए वन देखो 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 ये देख, सो फाइनली वी आर हेडिंग आउट ऑफ द बीच, चलते हैं अब वापस घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इवान शुक्ला सो गए, आकांक्षा शुक्ला समान ढो रही है, तुम और कौन, चलो चलते हैं। वैसे अब शाम को माहौल और भी हैपनिंग हो जाता है ना, हैपनिंग इन द सेंस मतलब लाइट वेट जल जाती है, सीन अच्छा और लगने लगता है, नज़ारे और अच्छे हो जाते हैं। हाँ बीच तो नहीं दिखता पर लोग दिखते हैं, बहुत सारा दुकान। बॉम्बे पाव भाजी, इन केस क्रेविंग फॉर पाव भाजी देन दिस इज द प्लेस एट कापू बीच। ये देखो लुक एट दिस फिल्दी मैन किकिंग द डॉग्स। ऐसा नहीं बनो यार, किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। वो आदमी रेड कलर का जो टी शर्ट पहन के जा रहा था, कुत्तों को मारा एक लात। हाँ यार आई थिंक सो दैट वॉज द एंड ऑफ टूडेज ब्लॉग, आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट अ लॉट। इन केस यू हैव एन्जॉयड इट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको उस वीडियोज़ में सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। मैं नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, पहले ऐसे ही छोटा मोटा वीडियोज़ डाल देता था, पर दिस ब्लॉगिंग टाइप ऑफ थिंग आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली इन द पास्ट 2 मंथ्स। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर प्लीज़ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।